दोस्तों, लिथियम आयन और लिथियम पॉलीमर, ये दोनों ही बैटरी टेक्नोलॉजीज बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं बहुत सारे यूजर्स के मन में कि कौन सी अच्छी है और कौन सी अच्छी नहीं है। अगर आपके मन में भी ऐसे कंफ्यूजन है तो आप वीडियो देखते रहिए और मैं आपके सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरु जी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो मेगा गिव अवे कॉन्टेस्ट है टेक्निकल गुरुजी और शर्मा जी टेक्निकल की तरफ से, वो अभी भी चल रहा है। साथ ही साथ एलई टीवी 1S का गिव अवे भी चल रहा है। उन दोनों के लिंक्स आपको मुझे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और वहां जाके एंटर करने से आप जीत सकते हैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग इनाम। दोस्तों देखिए, बहुत कॉमन कंफ्यूजन है जब आप एक नया मोबाइल फोन लेते हैं, जब आप एक पावर बैंक लेते हैं, तो आप देखते हैं कि एक में लिथियम आयन बैटरी है, एक में लिथियम पॉलीमर बैटरी है, तो आपको क्या फर्क पड़ेगा, कौन सी अच्छी है, किसकी कैपेसिटी अच्छी होती है या यूज करने में कौन सी बेहतर है। और इसी चक्कर में हम कई बार खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये फोन तो अच्छा है लेकिन इसके अंदर बैटरी जो है वो अच्छी नहीं है, या ये बैटरी तो अच्छी है लेकिन ये कंपनी अच्छी नहीं है। मतलब जो भी हमारे मन में बहुत सारे कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट हो जाते हैं। अब मैं आपको बताऊं, सबसे पहले देखिए, लिथियम आयन टेक्नोलॉजी जो है वो पुरानी है, वो बहुत पहले से है। पहले निकल कैडमियम वगैरह होती थी, उसके बाद में लिथियम आयन आई है, और लिथियम पॉलीमर जो है वो कंपैरेटिवली उससे तुलना में नई है। दोस्तों, हम बात करें लिथियम आयन और लिथियम पॉलीमर के डिफरेंसेस की, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको एज अ यूजर या एज अ कंज्यूमर बिल्कुल भी नहीं फर्क पड़ना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि प्रोडक्ट के अंदर जो बैटरी है वो लिथियम आयन है या लिथियम पॉलीमर है। आपके लिहाज से वो कुछ भी हो, उससे आपको नहीं फर्क पड़ना चाहिए। आपका यूजेज तो आपको एकदम जैसा मिलता है वैसा ही मिलेगा। उसके अंदर बैटरी चाहे लिथियम आयन लगी हो चाहे लिथियम पॉलीमर लगी हो, आप ये मान लीजिए कि वो एक्स है, वो छुपा है, आपको पता नहीं है, बस आपको इतना पता है कि उसके अंदर एक बैटरी है। क्योंकि कंफ्यूजन जो क्रिएट होता है वो होता है मिसकंसेप्शन से। जब आपको आधा नॉलेज होता है, जब आपको कोई आधी बात बताता है, तो आपको लगता है कि हाँ यार ये तो खराब है, ये तो अच्छा है, इसीलिए हम कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। जैसे कि सिंपल बात थी, ऑक्टा कोर, क्वाड कोर, 2 GB RAM, 5 GB RAM, मतलब ये जो मिथ्स हैं, इन सभी से हमको बाहर निकलने की जरूरत है। तो आप सिर्फ ये मानिए कि उसके अंदर एक बैटरी है और वो आपको चार्ज और डिस्चार्ज जो है वो होती रहती है और आपको जो बदले में वो आउटपुट देती रहती है। सिंपल अगर मैं टेक्निकल टर्म्स की बात करूं तो इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं, जिसकी वजह से हम कुछ जगहों पे लिथियम आयन टेक्नोलॉजीज को यूज करते हैं, कुछ जगह पे हम लिथियम पॉलीमर टेक्नोलॉजी बेस्ड बैटरीज को यूज करते हैं। तो देखिए, लिथियम आयन जो है वो थोड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है, लिथियम पॉलीमर कंपैरेटिवली नई है। अब हुआ क्या कि लिथियम आयन जो है वो एक फिक्स शेप में आप बैटरी बना सकते हैं। जो मटेरियल्स हम बैटरी बनाने के लिए यूज करते हैं वो थोड़े अलग हैं, बैटरी की शेप थोड़ी थिक होती है, तो आपके पास में एक रेक्टेंगुलर ऑप्शन बनता है कि हाँ ऐसी ही बैटरी हम बना सकते हैं। लेकिन लिथियम पॉलीमर में क्या होता है, हम एक पॉलीमर का यूज करते हैं और अंदर के जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी जगह पे जेल का यूज करते हैं, तो वो फ्लेक्सिबल बन जाती है और आप जैसी चाहे वैसी शेप में, मैं आपको बताऊं अगर एग्जांपल, तो आप एक क्रेडिट कार्ड जितनी पतली बैटरी भी बना सकते हैं अगर आप एक लिथियम पॉलीमर टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। तो वो फ्लेक्सिबल भी होती है, साइज आपकी मर्जी का है, आप पतली लंबी बनाएं, चौकोर बनाएं, छोटी चौड़ी जैसी मर्जी बनाएं। तो वियरेबल्स में, स्मार्ट वॉचेस में, आजकल मोबाइल फोन्स में जहां पे कंपोनेंट्स इतने ज्यादा हो गए हैं, आपको बैटरी के लिए जगह निकालना मुश्किल बनता है, आपको अलग अलग शेप्स की बैटरी चाहिए, तो आप वैसे के अंदर लिथियम पॉलीमर यूज कर सकते हैं। अगर मैं वजन की बात करूं तो लिथियम आयन बैटरीज थोड़ी भारी होती है, लिथियम पॉलीमर थोड़ी सी हल्की होती है। अगर मैं एनर्जी डेंसिटी की बात करूं तो लिथियम आयन के अंदर जो एनर्जी डेंसिटी होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है, लिथियम पॉलीमर में थोड़ी सी कम होती है। अगर मैं आपसे बात करूं आउटपुट की, तो लिथियम आयन का जो होता है वो आउटपुट थोड़ा आपको कम मिलेगा, कम मिलेगा इन द सेंस कि बैकअप की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आउटपुट की बात कर रहा हूं। तो जो आउटपुट है वो उसके अंदर आपको इतने ज्यादा एनर्जी लेवल्स का नहीं मिलता है, वो स्लो डिस्चार्जिंग वाली बैटरी होती है। लेकिन लिथियम पॉलीमर में अगर आप चाहें तो आप एकदम हाई एनर्जी के बर्स्ट जो है वो आउटपुट में दे सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा अलग अलग एप्लीकेशन में उनको कैसे काम में लेते हैं। शेल्फ लाइफ है वो दोनों की ऑलमोस्ट बराबर है। अगर मैं बात करता हूं आपसे ओवर चार्जिंग की, तो देखिए लिथियम आयन बैटरीज में ओवर चार्जिंग का खतरा होता है, इसीलिए मोबाइल फोन्स या जो भी चीज लिथियम आयन बैटरीज को यूज करती है उसमें आपको ओवर चार्जिंग प्रोटेक्शन का एक अलग से सर्किट जो है वो देना होता है। ये बैटरी के अंदर भी आपको इनबिल्ट सर्किट होता है जो उसको प्रोटेक्ट करता है। लेकिन लिथियम पॉलीमर में ऐसा कुछ खतरा नहीं है, तो इनको आराम से वैसे भी यूज कर सकते हैं कभी भी। अगर मैं बात करता हूँ कॉस्ट की, तो लिथियम आयन बैटरीज जो है वो नॉर्मली सस्ती होती है बनाने में, और यू नो क्योंकि टेक्नोलॉजी काफी नॉर्मल सी है। लेकिन लिथियम पॉलीमर क्योंकि आपको कस्टमाइज बनानी होती है, क्योंकि जो अंदर कंपोनेंट्स है, जो टेक्नोलॉजी है थोड़ी एडवांस्ड है, इसलिए जो कॉस्ट है वो थोड़ी सी उसकी बढ़ जाती है 10-15%। अब आप ये सोचिए कि आपके फोन में 3000 mAh की बैटरी है, फिर चाहे वो लिथियम आयन हो, फिर चाहे वो लिथियम पॉलीमर हो, अगर एक 3.7 वोल्ट की 3000 mAh की बैटरी है, तो दोनों में से कोई भी हो आपको नहीं फर्क पड़ेगा, आपका काम तो जैसा चलता है वैसा ही चलेगा। तो आप इस बारे में अपने कंफ्यूजन जो है वो दिमाग से निकाल दीजिए। अब दोस्तों देखिए, हम देखते हैं कि हम इन बैटरीज को कहां कहां पे यूज करते हैं। देखिए मोबाइल फोन्स की जहां तक हम बात करते हैं, क्योंकि प्राइमरीली वही एक ऐसा डिवाइस है जहां पे हम बैटरीज को सबसे ज्यादा यूज करते हैं आज की डेट में कॉमनली,
हमारे हाथ में सबके हाथ में मोबाइल फोन होता है और हम उसी से कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि लिथियम आयन अच्छी है कि लिथियम पॉलीमर अच्छी है। तो मोबाइल फोन से आपको दोनों ही देखने को मिल जाएंगी, कुछ मोबाइल फोन से आपको लिथियम पॉलीमर देखने को मिलती है, कुछ मोबाइल फोन से आपको लिथियम आयन देखने को मिलती है। जो नो रीजन है वो अलग अलग हो सकता है, प्राइस एक रीजन होता है कई बार कि बजट फोन से बिल्कुल तो आपको लिथियम आयन मिल जाती है, महंगे फोन से तो आपको लिथियम पॉलीमर मिल जाती है। उसके अलावा फोन की शेप कैसी है, फोन कितना स्लिम है, फोन के अंदर आपको बैटरी के लिए कितनी जगह बनी थी, कितनी जगह मिली थी, तो उस केस के हिसाब से लिथियम आयन और लिथियम पॉलीमर के बीच में चॉइस होती है जो मैन्युफैक्चरर होता है, फिर वो जो चाहे वो इंक्लूड करे। आपको तो एट द एंड एक बैटरी मिल रही है जिसको आपको चार्ज करना है और आपको फोन को यूज करना है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं टॉयज की या रिमोट कंट्रोल टॉयज की स्पेसिफिकली, जैसे रिमोट कंट्रोल कार्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, ड्रोन्स हैं, क्वाडकॉप्टर्स, हेक्साकॉप्टर्स वगैरह हैं, तो उनमें आपको जो बैटरीज मिलती है वो लिथियम पॉलीमर मिलती है। वो क्यों मिलती है, क्योंकि तो लाइट वेट होती है, लाइट वेट होने के साथ साथ में वो आउटपुट में एकदम हाई पावर जो है वो बर्स्ट प्रोवाइड कर सकती है, क्योंकि वहां पे आपको काफी ज्यादा कई केसेस में मोटर्स होती हैं, कई केसेस के अंदर एक से ज्यादा मोटर्स होती हैं, तो आपको सबको एकदम हाई पावर पर चलाना होता है एक साथ एकदम झटके से, तो वो चीज जो है वो आपको लिथियम पॉलीमर जो है वो दे सकती है, इसलिए हम लिथियम पॉलीमर टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं उसके अंदर। उसके अलावा जो आपको नॉर्मल मिलती है टॉर्चेस वगैरह या इस तरह की जो नॉर्मल जो नो हाउस होल्ड आइटम्स वगैरह हैं उसके अंदर जो हम बैटरी का यूज करते हैं वो हम करते हैं लिथियम आयन बैटरी का यूज। उसमें आपने देखा होगा लिथियम आयन के सेल भी आते हैं, जैसे लैपटॉप्स की आपकी बैटरी है उसके अंदर लिथियम आयन होता है, जो बाहर की प्लास्टिक केसिंग होती है उसके अंदर आपको इंडिविजुअल सेल्स मिलेंगे, अगर आप कभी खोलेंगे तो आपको सैमसंग के, एलजी के, आपको अलग अलग कंपनीज के जो है सेल्स देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं आपसे पावर बैंक्स की, तो देखिए Xiaomi का और OnePlus का जो 10,000 की रेंज में जो पावर बैंक आता है 10,400 mAh का है मेरे ख्याल से Xiaomi का, और शायद OnePlus का 10,000 का है। OnePlus यूज करता है लिथियम पॉलीमर बैटरी, Xiaomi यूज करता है लिथियम आयन बैटरी। आपने देखा होगा कंपैरिजन में कि OnePlus का जो पावर बैंक है वो काफी हल्का है, क्योंकि लिथियम पॉलीमर टेक्नोलॉजी होती है वो काफी हल्की होती है, शेप्स आप टेढ़ी मेढ़ी बना सकते हैं। LG G2 मुझे याद है एक फोन आया था करीब 3 साल पहले, उन्होंने स्पेसिफिकली ये बोला था कि हमने इस फोन में लिथियम पॉलीमर टेक्नोलॉजी का यूज किया है, क्योंकि फोन का जो बैक था वो कर्व था और वो चाहते थे कि बैटरी मैक्सिमम बने, 3000 mAh की बैटरी उस फोन में थी तो एजेस तक भी बैटरी जाए, इसलिए उन्होंने बैटरी को भी कर्व शेप का बनाया था। LG का अगर मैं बात करता हूँ जी फ्लेक्स और जी फ्लेक्स 2 की, तो उसकी जो बैटरी है वो थोड़ी सी फ्लेक्सिबल है, क्योंकि फोन फ्लेक्स होता है तो बैटरी भी फ्लेक्स होती है, क्योंकि लिपो बैटरी है तो कोई दिक्कत इसमें नहीं आती है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देख के आप जान गए होंगे, आपके मन का जो कंफ्यूजन है वो थोड़ा दूर हुआ होगा। एट द एंड एक बैटरी सिर्फ एक बैटरी है, आपको यूज करने से मतलब है, आपको चार्ज करना है और आपको डिस्चार्ज करना है, आपके फोन में या किसी भी गैजेट में क्या लगी है उससे आपके यूजेज पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मैन्युफैक्चरर ने वो बैटरी सोच समझ के लगाई है और वो सही लगाई है उस फोन के हिसाब से, तो इसलिए आप इन चक्करों में ना पड़े, आप अपना दिमाग जो है वो इन चीजों में ना लगाएं, नॉर्मल आप यूज करेंगे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ट्रस्ट मी। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, वीडियो को पसंद आने पे इसको आप जरूर से लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल है, सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना ना भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक टेक्निकल गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इस लाल बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना इसी तरह की टेक वीडियोस लेके आता रहता हूं। अभी के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।